अच्छी लगी है तो सब कुछ लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। इतने साइज के दो देने हैं हमने, ये अब मैं काटूंगी इसको। ये ऐसे काटने ऐसे कटिंग करनी है इनकी। अब काट के दोबारा नीचे नहीं, ये काटनी है ये टमाटर, प्याज, खीरा, ये हरी मिर्च। अब मैं काटने लगी हूँ आलू। आलू मैंने तो उबार के छीले दिए थे, ये देखा सारे साफ करके रख दिए थे। अब मैं इसको काटूंगी। देखा ना, ये भी काट लूंगी। आलू मैंने ये काट दिए अच्छी तरह। तो ये मैंने चने उबार के रख दिए थे अच्छी तरह भगो के, ये देखना ऐसे ऐसे अच्छी तरह भगो के रख दिए थे बाहर फिर अच्छी तरह। तो अब मैं इसमें डालूंगी दही, तकरीबन आधा किलो इसमें डालूंगी। अब ये मैंने ग्राइंड करके रख दिए थे, अभी ग्राइंडर में चटनी इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। अच्छी तरह मिक्स करके ये होगी हमारी हरी चटनी। अभी मैं इसमें डालूंगी, ये जाएगा इसमें आलू, आलू जाएंगे इसके बाद ये जाएंगे इसमें हरी मिर्च, टमाटर हमने पहले ही काट के रख दिए थे, ये प्याज, ये खीरा, कोकम्बर भी इसको कहते हैं, ये सारे इसमें गए, ये खीरा, ये टमाटर, ये हरी मिर्चें। अब जाएगा इसमें दही, दही हम डालेंगे इसमें ऐसे
सारा दही गया। ये बनी है हमारी अच्छी सी फ्रूट ओ चना चाट। इसमें जाएगा ये हरी चटनी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, हैव ए गुड डे। खुश रखिए, खुश रखिएगा, खुश रखिएगा। देखो आपको पसंद आई कि नहीं, आप कमेंट में कीजिएगा ज़रूर।